हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पूनम ब्लॉग्स गाजियाबाद चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत अमेजिंग टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपके बहुत काम आएंगी, बहुत ही यूजफुल होंगी। तो फ्रेंड्स, पहली टिप्स क्या है, चलिए फ्रेंड्स पहली टिप्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर है मेरे पास प्याज और प्याज है पोलोथीन में बंधी हुई और मेरे पास एक कपड़ा और एक चाकू। तो प्याज के ऊपर ना मैं बहुत सारी टिप्स यहाँ पर बताने वाली हूँ और साथ में है फ्रेंड्स पानी। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा यूजफुल है और ये हर घर में काम आने वाली टिप्स है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़रूर से फॉलो कीजिएगा वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास है प्याज और वो भी पोलोथीन में बंधी हुई है। फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, पोलोथीन में जैसे कोई चीज़ हमसे नहीं खुलती है तो हम फटाफट पोलोथीन को फाड़ के फेंक देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने एक साइड से पोलोथीन का जो साइड है उसको ऊपर की साइड खींचते हुए उसकी जगह बन जाती है फ्रेंड्स, और वो ऐसे आप उंगली से पकड़ोगे तो वो आसानी से खींच आता है। यानी कि सभी खोल लेते हैं पोलोथीन को, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा आइडिया होता है कि उसको आसानी से खोला जा सकता है। आप उसकी एक साइड को ऊपर की साइड खींचिए तो वो जगह बन जाती है और पोलोथीन आसानी से खुल जाती है। तो फ्रेंड्स, इस टिप्स को आप ज़रूर से फॉलो कीजिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दूसरी टिप्स है प्याज के ऊपर वो यह है, जैसे कि फ्रेंड्स हर घर में कोई ना कोई रेसिपी हम बनाते ही है, यानी कि खाना तो बनाते ही हैं तो प्याज तो हर घर में यूज होता ही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्याज काटते समय जैसे आँखों में आंसू आते हैं, जल टाइप में लगती हैं, उसके लिए बहुत बेहतरीन टिप्स है। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कपड़ा जो लिया था उसको मैंने पानी में भिगोकर और उसको निचोड़कर उसकी तह लगाकर उसी प्लेट में रख लिया है जिसमें हमें प्याज काटनी है। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी आंखों में जो झल लगती है ना, जैसे आंसू आते, वह आंसू नहीं आएंगे, सारी जो झल हैं वो कपड़ा अपनी तरफ खींच लेगा। और जो मैंने पास में पानी रखा है उसके लिए भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी टिप्स है, आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे देखते ही। जैसे फ्रेंड्स, गर्मी सीजन है और हमें गर्मी में बैठ के कोई काम करना नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, या तो फैन में बैठते हैं या कि यानी कि पंखा चला के बैठते हैं, तब हम प्याज काटते हैं। और तब पंखा चलता है तो ये इधर उधर उड़ती हैं, तो ये इधर उधर उड़े नहीं, बिखरे नहीं, उसके लिए ये टिप्स है। आप पानी लीजिएगा पास में और पानी में जितने भी छिलके हैं आप पानी में डाल दीजिएगा, तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपके इधर उधर गंदगी भी नहीं होगी, आपके छिलके भी नहीं उड़ेंगे और जो प्याज काट रहे हैं उसकी झलें भी आपकी आंखों में नहीं लगेंगी, जैसे कि आपकी आंखों में आंसू निकलते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद जो इसमें और जो टिप्स है वो यह है, जैसे कि हमने छिलके पानी में डाले हैं, हमें छिलके फेंकने नहीं है, इन छिलकों का बहुत ज़्यादा मतलब यूज है। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पानी के अंदर जो छिलके डाले थे उनको पानी में ही रहने देना है और इनका भी मैं यूज करूँगी, तो मैं इनका क्या यूज करूँगी उसके लिए आपके लिए टिप्स लेकर आई हूँ और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी यह टिप्स है फ्रेंड्स। इन छिलकों को मैंने रख दिया है गैस पर और इसमें मैंने अपने हिसाब से पानी रखा है जितना मुझे चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर पानी में मैंने छिलके रख दिए हैं जो प्याज के थे, और अभी मैं इसमें क्या करूँगी फ्रेंड्स, जैसे कि हर घर में एलोवेरा होता ही है और फ्रेंड्स जैसे कि प्याज के छिलके हैं तो मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, इसमें एलोवेरा के छिलके डाल दूँगी। फ्रेंड्स, यह वाली टिप्स मैं एक बार पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ लोग न्यू जुड़ते हैं, कुछ बिगनर्स होते हैं, उनके लिए यह टिप्स है। और आप पल्प के साथ डालेंगी ना जो इसका जेल होता है तो और भी ज़्यादा यह यूज़फुल होता है। तो फ्रेंड्स, इसको मैं सारा काट कर डाल दूँगी और इसको मैं अच्छे से बॉयल कर लूँगी। फ्रेंड्स, बॉयल करने के बाद इसका क्या यूज़ करूँगी वो आपके लिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने इसको बॉयल करने रख दिया है, ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा और जब ये पूरा कलर छोड़ देगा तब आप इसको अच्छे से छलनी में छान लें। और फ्रेंड्स, वीडियो आप चलती रहेगी, मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आप ना जो इसका जो पानी निकलेगा ना उसको आप अपने हेयर में लगाइएगा। आप सबसे पहले उस पानी को स्प्रे बोतल में भर लीजिए और स्प्रे बोतल से आप अपने बालों में, जैसे हम किसी भी चीज़ पर स्प्रे करते हैं उसी तरीक़ा से आप अपने बालों में इस पानी का स्प्रे कीजिए। जब आप बाल वॉश कर रही हों, यानी कि आप अपने हेयर वॉश कर रही हूँ, उस समय इसको 2 घंटे पहले अपने बालों में स्प्रे कर लीजिए। यदि स्प्रे कोई बोतल नहीं है तो आप अपने हाथों से भी ऑयल की तरह लगा लें और इसको 2 घंटा मतलब रहने दें। उसके बाद फ्रेंड्स, आप अपने बाल शैम्पू कर लें,
इससे क्या होगा फ्रेंड्स, एक तो आपके बाल ना एकदम मतलब सिल्की शाइनी हो जाएंगे, चमक आ जाएगी और आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, बहुत ही मुलायम रहेंगे, हेल्थी रहेंगे, टूटेंगे भी बहुत कम। आप इसका यूज़ करिएगा और यूज़ करने के बाद बताइएगा, फ्रेंड्स मैं इसको यूज़ करती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं इसको यूज़ करती हूँ और ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो इसको ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, बहुत ही काम की टिप्स है आपकी हेयर के लिए, क्योंकि प्याज और एलोवेरा हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्थी हो। सो फ्रेंड्स इस टिप्स को फॉलो कीजिएगा और यह टिप्स आपको कैसी लगी अपना फीडबैक वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको यह टिप्स बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो फ्रेंड्स मेरी नेक्स्ट टिप्स है, फ्रेंड्स यह टिप्स भी बहुत बहुत ज़्यादा काम आने वाली। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर गैस पर रख दिया है मैंने पानी, जो कि पानी को मुझे अच्छे से गर्म करना है, और फ्रेंड्स मेरे पास है कुछ मेडिसन। तो फ्रेंड्स हर घर में कुछ ना कुछ मेडिसन होती ही है, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई बंदा अपनी तबीयत को लेकर ये मेडिसिन वगैरह खाते ही रहते हैं। तो क्या होता है, बहुत सारी मेडिसिन हो जाती हैं और कई सारी मेडिसिन बच जाती है और कई बार वो एक्सपायर भी हो जाती है, तो हम एक्सपायर समझ के उनको फेंक देते हैं, क्योंकि फेंकना ही अच्छा होता है, क्योंकि एक्सपायरी कोई चीज़ को हम नहीं खा सकते। तो फ्रेंड्स एक्सपायरी जो चीज़ है वो हमारे बहुत सारे काम आती है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो टिप्स लेकर आई हूँ वह टिप्स यह है फ्रेंड्स, जैसे कि हम घर में हर सारे काम करते हैं तो क्यों ना हम इस टिप्स को भी फॉलो करें, जो कि यह भी टिप्स हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। फ्रेंड्स जो मैंने गर्म पानी किया था, फ्रेंड्स सबसे पहले उस गर्म पानी में मैं चाय पत्ती डाल दूंगी 1 चम्मच। फ्रेंड्स चाय पत्ती की जगह आप नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन चाय पत्ती का भी यहाँ पर एक अपना अलग यूज है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी यह टिप्स है। फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर मैंने चाय पत्ती डाल दी है गर्म पानी में, तो फ्रेंड्स इसको पूरी तरह से तो बॉयल में गैस पर भी कर सकती थी, लेकिन इसको पूरी तरह से बॉयल नहीं करना है। और जितनी भी मेरे पास यहाँ पर एक्सपायरी जो मेडिसिन है, मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, इसके पानी के अंदर मैं डाल दूँगी, और डालते हुए इनको मैंने अच्छे से चला लिया है। और जो गर्म पानी है ना फ्रेंड्स, उसको मैं धीरे धीरे करके सिंक में डाल दूंगी। और ख़ासकर यह वाली जो टिप्स मैं बता रही हूँ, इसको आप नाइट में यूज़ कीजिएगा, जब आप अपनी किचन एकदम क्लीन करके सोती हैं उस टाइम। फ्रेंड्स इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जो भी हमारे पास मेडिसिन है वो हमारी सिंक के अंदर जाएगी, और पूरी तरह से इसको घोलना नहीं है, पूरी तरह से चाय पत्ती को पकाना नहीं है। फ्रेंड्स यह जो दवाई है, कुछ तो हमारी सिंक के अंदर चली गई है और कुछ जो अभी पूरी तरह से घुली नहीं है, उसको हमें सिंक में ही रहने देना है, और हमें अपनी सिंक को नाइट में इसी तरीका से छोड़ देना है, ताकि जो यह चाय पत्ती का कड़वापन है और दवाइयों का कड़वापन है, यह पूरा अपना असर सिंक में छोड़ दे, ताकि जो बैक्टीरिया इसमें पनप रहा है, जो भी जर्म्स इसमें पनप रहे हैं, वो अच्छे से इसमें नष्ट हो जाएंगे इन मेडिसिनों से, और हमारी जो चाय पत्ती है इससे, या फिर आप इसमें नमक का भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस टिप्स को आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, अपनी फैमिली को इन रोगों से बचाइएगा, ताकि हम रोग फ्री रहें, एक अच्छी हेल्थ के साथ रहें। फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पास दूसरी भी सिंक है, सेम मैं ऐसे ही दूसरी भी सिंक में इसी तरीक़ा से ये पानी डाल दूँगी और ये साथ में डाल दूँगी मेडिसिन, और इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, इसको मुझे नाइट में धुलना नहीं है, क्योंकि ये साफ़ ही है, सिर्फ सुबह जब हम उठेंगे तो इसको हम सुबह क्लीन कर लेंगे, जो कि जो भी चीज़ हमने इसमें डाली है यह पूरी रात अपना यह कार्य करे। फ्रेंड्स आज की टिप्स आपको कैसी लगी ज़रूर से बताइए। फ्रेंड्स मैं मिलूँगी।